बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतलियों के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 से 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 बजे से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव से द फन दे हैड पार्ट 5 वे कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद प्रश्नावली 3.3 भाग 7। जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका नाम क्या था? द फन दे हैड। हमने जाना स्कूल के बारे में। स्कूल कैसे होते हैं भाई? एक बहुत बड़ी इमारत होती है, उसमें बच्चे जाते हैं और एक अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ाता है एक साथ। लेकिन जिस स्कूल में टॉमी और मार्गी जाते थे वो तो बहुत ही अलग था। वो है स्कूल भविष्य का। तो बच्चे, ये इतनी मज़ेदार सी कहानी तो हमने पढ़ ली, पर अभी के वीडियो में हम करने वाले हैं इसी कहानी के क्वेश्चन एंड आंसर्स की शुरुआत। चलो करते हैं इनकी शुरुआत। आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो बहुत चंद शब्दों में हमें इन सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल क्या है? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितनी साल के हैं, उनकी क्या उम्र है? तो क्या उम्र है बच्चों मार्गी और टॉमी की? मार्गी की उम्र है 11 साल और टॉमी की उम्र क्या है? 13 साल। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो भी तो देखना होगा ना। तो देखिए, हम लिखेंगे मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। दूसरा सवाल, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या राइट किया था, क्या लिखा था? मार्गी ने क्या लिखा था बच्चों? उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। भाई बहुत बड़ी बात थी ना ये मार्गी और टॉमी के लिए। तो यही बात उसने लिखी थी अपनी डायरी में। हम लिखेंगे इसके उत्तर में मार्गी रोट। रोट मतलब लिखा था। मार्गी ने लिखा था टुडे, आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को मिली है एक रियल यानी कि असली बुक, असली किताब। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी कोई किताब पहले देखी थी? नहीं देखी। मार्गी के लिए तो ये किताब बहुत नई चीज़ थी। क्यों नहीं थी बच्चों? क्योंकि मार्गी की पढ़ाई तो किसी और तरीके से होती थी। कैसे? टेलीबुक के ज़रिए। तो इस सवाल के उत्तर में हम सिर्फ इतनी बात लिखेंगे कि नहीं, मार्गी ने कभी असली किताब नहीं देखी थी। तो लिखना है नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने नहीं देखी थी कोई किताब बिफोर यानी कि पहले। What things about the book did she find strange? मार्गी को उस किताब के बारे में कौन सी बातें strange लगी, अजीब लगी?
कौन कौन सी बातें अजीब लगी थी? सबसे पहली बात तो जो उसको अजीब लगी थी वो ये थी कि जो शब्द थे वो वहीं के वहीं टिके रहते थे उस किताब के पन्नों पर, और जब वो पन्ना पलट के वापस पिछले पन्ने पे आते थे तब भी वो शब्द वहीं रहते थे। और जो सबसे बड़ी अजीब सी बात थी जो मार्गी को लगी उस किताब के बारे में, वो ये थी कि वो किताब लिखी गई थी स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में, और मार्गी को इसीलिए अटपटा लगा कि भाई स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में कोई किताब लिख दी जाए। तो हमें उत्तर में क्या लिखना होगा बच्चों, चलो देखते हैं। हम लिखेंगे मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, मार्गी को बहुत अजीब लगा दैट की द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक, जो शब्द प्रिंटेड थे छपे हुए थे किताब पर, स्टूड स्टिल वो वहीं के वहीं रहते थे। इंस्टेड बजाय इसके ऑफ मूविंग द वे, बजाय इसके उस तरीके से चलने के, दे डिड ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि वो स्क्रीन पर चलते थे। शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड, उसको ये भी अजीब लगा दैट कि द वर्ड्स ऑन अ पेज, जो उस पेज पे छपे हुए वर्ड्स थे शब्द थे, ऑलवेज हमेशा, रिमेन्ड द सेम बने रहते थे पहले जैसे, एज द फर्स्ट टाइम जैसे कि पहले बार वो रखे हुए थे, दे वर रेड जैसे कि पहली बार उनको पढ़ा गया था उसी तरीके से वो जो शब्द थे वो वहीं पर रहते थे। बिसाइड्स इसके अलावा, द आइडिया ये विचार, दैट समवन वुड राइट कि कोई लिखेगा अ बुक एक किताब, अबाउट स्कूल विद्यालयों के बारे में, वॉज इट्सेल्फ स्ट्रेंज वो अपने आप में ही अजीब था फॉर मार्गी, मार्गी के लिए। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज, तो आपको क्या लगता है बच्चों टेलीबुक क्या है? टेलीबुक क्या है? टेलीबुक एक तरह की किताब है, पर वो किताब को पढ़ते कैसे हैं? वो किताब पढ़ी जाती है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे शब्द आते जाते हैं और वो गायब होते जाते हैं और हम उनको साथ ही साथ पढ़ते रहते हैं। वो जो किताबें हम आज पढ़ रहे हैं टेलीबुक बिल्कुल वैसी नहीं थी। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड, एक ऐसी किताब जिसे डिस्प्ले किया जा सकता था, दिखाया जा सकता था ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, इज कॉल्ड अ टैली बुक, उसको कहा जाता था टैली बुक। छठा सवाल, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी थे? तो मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसी के घर में था, और उसी के घर में यानी कि उसके शयन कक्ष के पास में, और वो स्कूल में अकेली ही पढ़ा करती थी, उसका कोई सहपाठी नहीं था। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे मार्गी स्कूल, मार्गी का जो विद्यालय था, वॉज इन हर होम इट्सेल्फ, वो उसके होम में यानी घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के पास में ही था। नो तो ये देखिए बच्चों, यहाँ तक बेडरूम तक यानी शयन कक्ष तक ये हमने इस छठे सवाल के पहले भाग का उत्तर दिया। अब दो भाग हैं इसमें, ये भी तो पूछा गया है कि क्या उसके कोई सहपाठी थे, तो अब हम उसका उत्तर देंगे। क्या लिखेंगे? नो नहीं, शी डिड नॉट हैव, उसके नहीं थे एनी क्लासमेट, उसके नहीं थे कोई भी सहपाठी। सातवां सवाल, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मार्गी और टॉमी पढ़ते थे? कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे बच्चों? कहानी में हमने जाना कि वो तीन सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, कौन से थे वो? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। तो यही तो हमें उत्तर में लिखना है कि मार्गी और टॉमी पढ़ा करते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। कैसे लिखेंगे? मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी पढ़ते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही लोग पढ़ा करते थे। दूसरा, अब क्या है बच्चों, ये सातवें सवाल तक तो हमने कर लिया, अब
अलग तरह के सवाल शुरू हो रहे हैं। इन सवालों में क्या करना होगा हमें, देखिए इन सवालों में कहानी का एक अंश आपको दिया होगा, कहानी के अंदर का ही एक भाग, एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य के ऊपर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला वाक्य है I wouldn't throw it away, मैं उसको नहीं फेंकता। किसको नहीं फेंकता बच्चों? पहले याद करो कि ये बातें किसने बोली थी। ये बात बोली गई थी टॉमी के द्वारा। टॉमी ने कहा था ना कि मैं उसको नहीं फेंकूंगा, पर उसको से मतलब क्या है? उसको से मतलब है वो टेलीस्क्रीन जिसके अंदर वो बहुत सारी किताबें पढ़ सकता था। अब हम शुरू करते हैं इस वाक्य के ऊपर के सवाल, जो सवाल इस वाक्य के ऊपर बेस्ड हैं वो सवाल। पहला सवाल, Who says these words? कौन कहता है इन शब्दों को? तो इन शब्दों को कहता है कौन? टॉमी। दूसरा सवाल, What does it refer to? It से, जो इस वाक्य के अंदर ये it दिया हुआ है, इस it से हम क्या समझते हैं? It का मतलब यहाँ पर है वो टेली बुक्स, यानी वो किताबें जो हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ते थे। तीसरा, What is it being compared with by the speaker? तो ये जो वक्ता है, स्पीकर यानी कि वक्ता, ये जो वक्ता है ये किस चीज़ से इस इट की यानी कि उस टेली बुक की तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किससे कर रहा है बच्चों? उन असली पुरानी किताबों से। तो अब ये तीनों उत्तर हमने जान लिए हैं, पर इनको लिखना भी तो हमें समझना है ना। कैसे लिखेंगे हम? देखिए हम लिखेंगे, पहला, टॉमी सेड दीज वर्ड्स, टॉमी ने कहे थे ये वर्ड्स, ये शब्द। दूसरा, इट रेफर्स टू, इट बोला गया है टू द टेलीविजन स्क्रीन, उस टेलीविजन स्क्रीन के लिए, ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियन बुक्स, जिसके ऊपर आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते थे। और तीसरा उत्तर, जो तीसरा सवाल था उसका उत्तर लिखेंगे, टॉमी इज कंपेयरिंग, टॉमी तुलना कर रहा है द टेलीविजन स्क्रीन, इस टेलीविजन स्क्रीन की, टू द रियल बुक्स, असली किताबों के साथ। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय की असली किताबें बच्चों, यहाँ पे अर्लियर टाइम्स यानी कि पुराने समय की जो असली किताबें हैं उनके साथ वो तुलना कर रहा है। इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड, और वो किताबें, उन पुरानी असली किताबों की बात हो रही है यहाँ पे, वो किताबें जिसमें जो शब्द थे वो प्रिंटेड थे, छपे हुए थे ऑन पेपर, पेपर के ऊपर। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स, उसने ये सोचा कि ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे, एक व्यक्ति को उन किताबों को फेंक देना पड़ेगा। हावेवर, हालांकि, ही वुड नेवर हैव टू, उसको कभी नहीं, टू थ्रो अवे, कभी नहीं फेंकना पड़ेगा हिज टेली बुक्स, उसकी टेली बुक्स को। क्या बोल रहा है टॉमी? वो ये बोल रहा है कि जो असली किताबें हैं उनको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उनको फेंक देना होगा, लेकिन जो टेली बुक्स है उनको तो कभी फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उन टेली बुक्स के ऊपर आप एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारी किताबों को एक साथ पढ़ सकते हो। दूसरा वाक्य, ये दूसरा वाक्य कि भी बच्चों इस कहानी से ही लिया गया है, तो कहानी को, सारी बातों को याद कर लीजिए, एक एक बात को याद कर लीजिए कि कहानी में कहाँ क्या बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है और उस वाक्य का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वाक्य क्या है? श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक ज़रूर था, बट, पर It wasn't a regular teacher, ये कोई आम अध्यापक नहीं था। It was a man, वो था एक आदमी। ये बात किसने बोली थी बच्चों? ये बात भी टॉमी ने बोली थी। उसने ये बोला था कि उनके पास, यानी कि जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पास में भी एक अध्यापक था, लेकिन ये जो अध्यापक है वो पुराने ज़माने का अलग सा अध्यापक है, यानी कि एक इंसान ही अध्यापक होता था। अब इसके सवाल क्या हैं? पहला सवाल है इस वाक्य के ऊपर,
Who does they refer to? हम इस वाक्य में दिया गया शब्द दे, यहाँ पे दिया हुआ है ना ये दे, इससे क्या समझते हैं? तो पहले सवाल का उत्तर है कि ये जो दे है इनका मतलब है वो विद्यार्थी जो पुराने समय में होते थे। दूसरा, What does regular mean here? यहाँ पे ये जो regular teacher बोला गया है, इस regular का मतलब क्या है? Regular का मतलब है कि भाई जो टीचर मार्गी और टॉमी को पढ़ाते थे वो होते थे मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, पर जो पुराने ज़माने के थे वो अलग से टीचर थे। तो टॉमी और मार्गी के लिए रेगुलर टीचर का मतलब वही मैकेनिकल टीचर है, वो यांत्रिकी अध्यापक से है। What is it contrasted with? और इसको किसके साथ में कॉन्ट्रास्ट किया गया है? यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है कि भाई इनकी तुलना, ये जो रेगुलर की है, रेगुलर अध्यापक है, इनकी तुलना किससे की गई है? इन रेगुलर अध्यापक यानी मैकेनिकल टीचर की तुलना की गई है उन पुराने अध्यापकों से जो कौन होते थे, जो इंसान होते थे, जो बच्चों को एक साथ पढ़ाया करते थे एक ही जगह पर। तो अब हम इसके तीनों सवालों के उत्तर तो समझ गए, अब इनको लिखना कैसे है वो देखते हैं। पहले सवाल का Who does they refer to? इसका उत्तर हम लिखेंगे They refer to the students, they से हम समझते हैं वो students, विद्यार्थी, who studied in the old kind of schools, जो कि पढ़ा करते थे पुराने तरह के विद्यालयों में, centuries before the time, शताब्दियों पहले उस समय के, द स्टोरी इज सेट इन, उस समय से शताब्दियों पहले पढ़ा करते थे, जो कौन से समय से, वही समय जिसमें ये कहानी बताई गई है, और ये कहानी बहुत आगे भविष्य की बताई गई है बच्चों। दूसरे सवाल का उत्तर हम लिखेंगे हियर, यहाँ पे रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स, रेगुलर का मतलब है वो मैकेनिकल टीचर, वो यांत्रिकी अध्यापक, दैट टॉमी एंड मार्गी हैड, जो कि टॉमी और मार्गी के पास थे। और तीसरा उत्तर, द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड, मैकेनिकल टीचर को कॉन्ट्रास्ट किया गया है विथ द टीचर, उस टीचर से, उस अध्यापक से, ऑफ द अर्लियर टाइम्स, जो कि थे पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में, हु वॉज अ ह्यूमन बींग, और वो अध्यापक कौन थे, ह्यूमन बींग थे, ह्यूमन बींग थे यानी कि इंसान थे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, तो अब आपके सामने जो सवाल आएंगे वो आपको शॉर्ट पैराग्राफ में, बहुत कम शब्दों में उसके उत्तर देने होंगे। पहला सवाल, What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और Tommy के पास किस तरह के teachers थे, किस तरह के अध्यापक थे, तो यही बताना होगा हमें इस सवाल में। तो कैसे थे Margie और Tommy के अध्यापक? वो तो था एक यांत्रिकी अध्यापक, जो थी एक काली भद्दी सी स्क्रीन, उस स्क्रीन के अंदर स्लॉट बना हुआ था, और उस स्लॉट के अंदर ही क्या करते थे, मार्गी और टॉमी अपने होमवर्क और टेस्ट डाल देते थे, और वो जो यांत्रिकी अध्यापक था वो झट से उन टेस्ट के जवाब दे देता था, जवाब दे देता यानी कि वो किस तरीके से वो टेस्ट किया गया है और उसके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं उनकी गणना झट से कर देता था। अब क्या होता था भाई, मार्गी और टॉमी का ये जो होमवर्क होता था वो इनको एक खास पंच कोड में ही लिखना होता था। तो ये तो थी, हमने उत्तर समझा, अब हमें उत्तर को लिखना कैसे है वो भी देखते हैं। हम लिखेंगे मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के पास थे मैकेनिकल टीचर्स, मैकेनिकल अध्यापक। दे वर लार्ज एंड ब्लैक, वो थे बहुत बड़े, काले एंड अगली और कुरूप, एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स, और उनकी थी बहुत बड़ी स्क्रीन्स, ऑन विच, जिनके ऊपर द लेसन्स वर शोन, जिनके ऊपर पाठ दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सवाल पूछे जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स, इन मैकेनिकल टीचर्स, इन यांत्रिकी अध्यापकों में
had a slot, था एक slot, खाचा, in which, जिसमें, the students had to put, विद्यार्थियों को रखना होता था, their homework, उनका homework, and test papers, और परीक्षा पत्र भी, they had to write their answers, उनको answers, उत्तर लिखने होते थे, in a punch code, एक punch code में, and the mechanical teacher और जो mechanical teacher था यांत्रिकी अध्यापक था calculated गणना करता था the marks immediately जो marks मिलते थे उनकी तुरंत ही immediately का मतलब क्या होता है तुरंत marks की गणना तुरंत ही कर देता था Why did Margie's mother sent for The काउंटी इंस्पेक्टर तो बच्चों सेंड फॉर का मतलब क्या होता है बुलवा भेजना तो मार्गी की माता ने क्यों बुलवा भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवा भेजा था बच्चों इसलिए बुलवा भेजा था कि मार्गी ज्योग्राफी में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जाता था पर हर टेस्ट में उसका प्रदर्शन और खराब होता जा रहा था इसी कारण से मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया जो समस्या हो रही है मार्गी के प्रदर्शन में उसको जानने के लिए तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मार्गी हैड बीन गिवन मार्गी को दिए जा रहे थे मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी भूगोल में बहुत सारे परीक्षा दी जा रही थी बाय द मैकेनिकल टीचर के द्वारा बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट पर कोई सुधार नहीं था इन हर परफॉर्मेंस मार्गी की परफॉर्मेंस में उसके प्रदर्शन में इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स वो और भी ज़्यादा वर्स होता जा रहा था खराब होता जा रहा था इट इज़ फॉर दिस रीज़न यही कारण था दैट मार्गीज मदर की मार्गी की माता ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बुलवा भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को टू फाइंड आउट ये पता लगाने के लिए वाई दिस वॉज हैपनिंग क्यों ऐसा हो रहा था वॉट डिड ही डू तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया वो आया उसने उस यांत्रिकी अध्यापक को अलग कर दिया और क्या किया और उसकी जो गति थी यांत्रिकी अध्यापक के पढ़ाने की जो गति थी उसको थोड़ा धीमा कर दिया तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को दिया एक एप्पल एक सेब एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर और उस यांत्रिकी अध्यापक के ऊपर काम करना शुरू किया ही टुक इट अपार्ट इसने यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको अलग कर दिया एंड देन चेकड इट और उसके बाद उसकी जांच की मार्गी हैड होप्ड मार्गी को ये उम्मीद थी होप्ड यानी कि उम्मीद तो मार्गी को ये उम्मीद थी That the inspector, कि ये जो inspector है, would not know how to put the mechanical teacher together again. मार्गी को ये उम्मीद थी कि उस county inspector को नहीं पता होगा कि किस तरीके से उस यांत्रिकी अध्यापक को वापस जोड़ना है. But he managed to reassemble it. लेकिन उसने क्या किया? उसको reassemble कर दिया, फिर से जोड़ दिया. He slowed down the geography sector. और क्या किया उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने काउंटी इंस्पेक्टर ने वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसकी गति को थोड़ा धीमा कर दिया because क्योंकि it was geared a little too quick. उसको बहुत तेज़ी से पढ़ाने का सिखाया गया था यानी कि क्या हो रहा था वो जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत तेज़ गति से पढ़ा रहा था फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड एक 10 साल के बच्चे की हिसाब से वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी वॉट डिड द इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर तो क्या हो रहा था मार्गी का प्रदर्शन ज्योग्राफी में इतना खराब क्यों था वॉट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी मदद करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने जो किया वो तो हम जानेंगे ये तो है इस सवाल का दूसरा भाग पहले पहला भाग देखते हैं जो मार्गी थी
उसकी उम्र क्या थी भाई, 10-11 साल थी, ठीक है। नहीं, अब वो जो मैकेनिकल टीचर था जो पढ़ाता था, वो बहुत तेज़ गति से पढ़ा रहा था एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से, और इसी कारण से मार्गी को कुछ समझ नहीं आता था और उसका प्रदर्शन परीक्षा के अंदर ख़राब होता जा रहा था। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने उस यांत्रिकी अध्यापक को अलग किया और उसकी गति को धीमा किया, ताकि एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से वो मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिकी अध्यापक पढ़ा सके और उस बच्चे को भी समझ आ सके। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मार्गी वॉज डूइंग बैडली, मार्गी बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही थी इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर, बिकॉज क्योंकि द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर, वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर के अंदर, हैड बीन गियर्ड अ लिटल टू क्विक, वो बहुत ज़्यादा तेज था। द काउंटी इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड। तो क्या बोला काउंटी इंस्पेक्टर ने, उसने ठीक तरीके से बोला कि उसको यानी मार्गी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, मार्गी को दोष नहीं दिया जा सकता फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, उसकी ख़राब प्रदर्शन के लिए। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन, काउंटी इंस्पेक्टर ने धीमी कर दी गति, द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर, जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, उसकी गति को धीमा करके टू एन एवरेज टेन ईयर लेवल, उसने कितनी कर दी गति, उस स्तर पर कर दी कि एक 10 साल के बच्चा समझ पाए। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जोन्स, उसने मिसेस जोन्स को ये भी बोला दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस, की मार्गी का जो ओवरऑल यानी कि जो पूरा जो प्रोग्रेस है वो कैसा है, वो सेटिस्फैक्टरी, वो संतोषजनक है। सेटिस्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, संतोषजनक। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, तो टॉमी के टीचर के साथ में यानी टॉमी के अध्यापक के साथ में एक बार क्या घटना हुई थी, घटना ये हुई थी कि इस अध्यापक का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो गया था, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर को हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बिल्कुल खाली हो गया था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, वंस एक बार, द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक का जो हिस्ट्री सेक्टर था, हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो एक बार ब्लैंक्ड आउट हो गया पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। छठा सवाल, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मार्गी के नियमित दिन और घंटे थे उस विद्यालय के लिए, अगर ऐसा था तो क्यों था। तो क्या पूछा गया है बच्चों, कि क्या मार्गी की पढ़ाई जो थी वो नियमित दिनों पर नियमित घंटों के लिए होती थी, तो हम जानते हैं कि ऐसा होता था, सिवाय सैटरडे और संडे के मार्गी की जो पढ़ाई थी वो नियमित रूप से होती थी। लेकिन अगर ऐसा था तो क्यों था, इस सवाल का उत्तर है क्या है, मार्गी की माता। मार्गी की माता को ऐसा लगता था कि अगर एक बच्चा नियमित दिनों में नियमित घंटों के लिए पढ़ाई करता है तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ सीख सकता है। तो इस सवाल के उत्तर में हम लिखेंगे, यस, हाँ, मार्गी हैड रेगुलर डेज, मार्गी के थे नियमित दिन एंड आवर्स फॉर स्कूल, नियमित दिन और घंटे स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। This was because, ऐसा इसलिए था क्योंकि her mother believed, उसकी माता का यानी कि Mrs. Jones को यकीन था that learning, कि सीखना at regular hours, नियमित घंटों पर helped, मदद करता था, little girls learn better, छोटी बच्चियों को बेहतर तरीके से सीखने में। Her mechanical teacher was also on, यानी कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो भी ऑन हो जाता था एट द सेम टाइम, उसी ठीक समय पर, एवरी डे, हर रोज़, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे, शनिवार के और रविवार के।
सातवां सवाल, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है पुराने समय के स्कूल की? वो ये बताता है कि पुराने समय में एक ही बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, जहाँ पर सब बच्चे जाते थे और इकट्ठा होकर एक साथ पढ़ाई करते थे। और साथ ही साथ क्या बताता है टॉमी? वो ये बताता है कि वो सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेलते भी साथ थे उसी स्कूल के आंगन में। तो हम लिखेंगे टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने व्याख्या की पुराने तरह के स्कूल की एज अ स्पेशल बिल्डिंग, एक खास तरह की बिल्डिंग, इमारत के रूप में। वेयर, जहाँ पर ऑल किड्स, सारे बच्चे स्टडी टुगेदर, पढ़ते थे साथ में। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पर थे कई सौ विद्यार्थी। स्टडिंग, जो कि पढ़ते थे। एंड प्लेइंग टुगेदर, जो कि पढ़ते थे और खेलते थे साथ में। दे यूज़ टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड। वो जो विद्यार्थी थे वो चिल्लाते थे और हंसते थे एक साथ एक ओपन यार्ड में। आठवां सवाल, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी किस तरीके से व्याख्या करता है पुराने तरह के अध्यापकों की? क्या बताता है वो? वो ये बताता है कि जो पुराने अध्यापक थे वो थे इंसान, और वो क्या करते थे? सभी बच्चों को एक साथ एक ही इमारत में पढ़ाया करते थे, और वही अध्यापक यानी वो जो इंसान थे वही होमवर्क दिया करते थे और उस होमवर्क को चेक भी किया करते थे। तो हम लिखेंगे टॉमी सेड दैट, टॉमी बोलता है दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, जो पुराने तरह के अध्यापक थे, वर मैन, वो थे इंसान। यहाँ पे मैन का मतलब आदमी नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैन का मतलब है इंसान। मैन के बारे में हमने क्या जाना है? मैन होता है मर्द, और अगर मैं बोलूँ वुमेन तो वो क्या होती है? औरत। लेकिन यहाँ पे जो मैन है इसका मतलब है इंसान। Who taught the students? जो कि पढ़ाया करते थे विद्यार्थियों को inside a special building, एक खास इमारत के अंदर। The teachers taught the children. Teachers जो थे वो अध्यापक जो थे वो पढ़ाते थे बच्चों को in groups, झुंड के अंदर। And gave them homework, और उनको गृह कार्य भी दिया करते थे। And asked them questions, और उनसे सवाल भी पूछा करते थे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद प्रश्नावली 3.3 भाग 7। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद, ये भाग नंबर 7 है, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के भाग 6, 7 और आगे के भाग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 2 के भाग 5 तक हमने कर लिए थे बच्चों। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि से के द्वारा आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है, ठीक है? और कैसा समीकरण है ये? द्विघात समीकरण है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बच्चों, हम a, b और c नोट कर लेते हैं। a का मान यहाँ 1 है, b का मान माइनस 8 है, और c का मान कितना है बच्चों? 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? a गुणा c करेंगे। तो जब आप a को c से गुणा करते हैं तो आपके पास प्लस का 1 आता है। अब 1 के ऐसे दो गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आए? मध्य पद का संख्यात्मक मान आए, मध्य पद का गुणांक आए, अर्थात 1 आए। तो 1 के ऐसे दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 के ऐसे दो गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों, एक तो 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा, और इसको जब आप गुणा करेंगे 4 माइनस रूट 15 से, तब आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? मध्य पद का संख्यात्मक मान आ जाएगा। अब बच्चों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता कि 1 के ऐसे दो गुणनखंड 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15 ही होंगे। तो बच्चों, उसके लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। जब मैं आपको श्रीधर आचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके के प्रश्न में किस तरीके से आपको
ट्रिक लगानी है, किस तरीके से आपको दिमाग लगाना है और फिर आप इसको हल करना है। तो ठीक है बच्चों, एक का ऐसे कोई आप गुणनखंड नहीं पता कर सकते, डायरेक्टली दो जिनको जोड़ने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, मैं आपको जब श्रीधर आचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, तब मैं आपको वापस से इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज़ को मानिए कि हाँ, एक के ये दो गुणनखंड होंगे। इसके वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। देखिए, जब आप 4+√15 और 4-√15 को गुणा करेंगे तब आपके पास a+b और a-b अर्थात ये a²-b² मिलेगा आपको। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 16, और 15 का √15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15, 16 में से 15 गया तो कितना बचा बच्चों, 1। अर्थात ये दोनों एक के ही गुणनखंड हैं, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक के दो गुणनखंड कौन से हो गए, एक तो 4+√15 और एक 4-√15। कैसे, उसके लिए हम श्रीधर आचार्य विधि देख लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक के ये दो गुणनखंड कैसे हुए। और देखिए बच्चों, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, जब आप 4+√15 को और 4-√15 को जब आप जोड़ेंगे बच्चों, तब आपके पास कितना आ जाने वाला है, 8 आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, एक के दो गुणनखंड हमने ऐसे पता कर लिए जिनको जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक आ रहा है और गुणा करने पर तो वो आ ही रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हल देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यही रहने देता हूँ, बीच में काम आने वाला है आपके समझने के लिए। तो यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न ऐसे की ऐसे ही लिखिए आप, x²-8x+1=0। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करते हैं, मध्य पद को जो आपने गुणनखंड पता किए हैं 4+√15 और 4-√15, इनके योगफल के रूप में लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर x+1 और बराबर में कितना है, 0। ठीक है बच्चों, ऐसा ही करते हैं हम गुणनखंड विधि में। आगे हम क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4+√15 x-4-√15 x। देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस। एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक की जगह आप लिख सकते हैं इन दोनों को, तो आप एक की जगह ये लिख दीजिए 4+√15 और 4-√15 बच्चों, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। एक बार देखिए, 4-√15 बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 0 चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, प्रथम दो में से और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेते हैं। तो जब आप प्रथम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, x-4+√15 बच जाएगा। और आगे वाले दोनों में से देखिए बच्चों, इन दोनों में से आपके पास क्या, 4-√15 आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इसके पास जब आपने ये उभयनिष्ठ ले लिया तो x बच गया, माइनस वाला उभयनिष्ठ लिया इसलिए प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और अंदर क्या बचेगा इसके पास से, बचेगा 4+√15 बच्चों, और बराबर में क्या, 0। अब ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बीजीय व्यंजक है, वो आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसको भी आप उभयनिष्ठ ले लें। तो आपके पास उभयनिष्ठ आ गया x-4+√15 और अंदर बच जाएगा बच्चों, इसके पास से बच जाएगा x, और अगले के पास से क्या बच जाएगा, 4-√15। ठीक है बच्चों, बराबर में 0। अब देखिए बच्चों, अगर आप क्या करते हैं, यदि आप x-4+√15 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाएगा आपके पास 4+√15, तथा यदि आप क्या करते हैं,
x माइनस 4 माइनस रूट 15 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। तो x के दो मान आपके पास आ गए हैं बच्चों, एक तो 4 प्लस रूट 15 और दूसरा क्या 4 माइनस रूट 15। एक बार वापस से देखिए बच्चों, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। गुणनखंड, इस ऐसी स्थिति में गुणनखंड कैसे पता करेंगे वो हम सीखेंगे किसमें, श्रीधराचार्य विधि में। अभी तक के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाँ एक के दो गुणनखंड आप सर ने पता किए हैं, 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15। कैसे हम ये श्रीधराचार्य विधि में सीख लेंगे। फिर हम मध्य पद की जगह वही दोनों जो गुणनखंड है उनको योग के रूप में लिख दिया है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया है। याद रखिए बच्चों, मैंने एक की जगह वो जो गुणनखंड थे उनको गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। इस तरीके से प्रथम दो में से अंतिम दो में से कॉमन लिया, दो रेखिक हमारे पास गुणनखंड बन गए हैं, दोनों को जीरो से कंपेयर करके हमने x के मान निकाल लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप थोड़ा सा धैर्य मेरे साथ बना के रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या दो का भाग संख्या 7, 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले वही a b c नोट कीजिए। a का मान 3 है, b का मान है 2√6 वो भी नेगेटिव, c का मान है आपके पास 2, और इसको आपको किससे हल करना है, इस समीकरण को आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। कौन सा समीकरण है, 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर कितना बच्चों, 0, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे। जब आप a को c से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, मध्य पद का गुणांक का संख्यात्मक मान अर्थात 2√6 आना चाहिए। लेकिन √6 कब आएगा बच्चों, जब इसके गुणनखंड हम √6 के रूप में लिखेंगे। तो देखो 6 को हम √6 के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, √6 × √6 लिख सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2√6 भी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3x² माइनस 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 + √6x + 2 बराबर में कितना, 0। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² माइनस √6x - √6x + 2 बराबर में कितना बच्चों, 0। अब प्रथम दो में से और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लें, तो पहले आप 3x² का मतलब समझिए। 3x² का मतलब है √3 × √3 × x × x बच्चों, और √6x का मतलब हो गया √2 × √3 × x, ठीक है बच्चों। आगे देखिए 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है √2 × √2। तो अगर आप प्रथम दो में से उभयनिष्ठ देखना चाहते हैं, इन दोनों में से उभयनिष्ठ देखना चाहते हैं, तो √3 उभयनिष्ठ है और x भी उभयनिष्ठ है, तो √3x आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो इसके पास से तो क्या बच गया बच्चों, एक √3 और एक x बच गया, तो √3 और x बच गया, माइनस इस √6x के पास से √3 और x आपने कॉमन ले लिया, तो सिर्फ क्या बच गया, √2 बच गया। आगे वाले इन दोनों में आप उभयनिष्ठ देखिए, इन दोनों में उभयनिष्ठ है √2 उभयनिष्ठ है, तो √2 आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर बच गया √3x - √2 बराबर 0। अब आप √3x - √2 को भी उभयनिष्ठ ले लें, तब आपके पास बच जाएगा √3x - √2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। इस तरीके से दोनों जो गुणनखंड आए हैं आपके पास, वो दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। इसका मतलब ये है कि आगे चल के आपके पास जो हल आने वाले हैं वो भी क्या आने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। तो जब आप इसको 0 के बराबर लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, √2/√3, तथा यदि आप अगले वाले को भी 0 के बराबर लेंगे
तो भी आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, रूट दो बटे तीन। इसके भी शून्यक जो हैं, इसके भी जो हल हैं, इसके जो मूल हैं वो क्या आए हैं बच्चों, समान आए हैं। वापस से देखिए, सबसे पहले वही हमने a गुणा c किया, 6 आया, 6 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने थे जिनको जोड़ने पे दो रूट छः आए, तो रूट छः गुणा रूट छः हो गया। दो रूट छः की जगह हमने रूट छः प्लस रूट छः लिखा, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्रथम दो में से अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लिया, रेखिक बहुपदों के रूप में उसको विभक्त किया, प्रत्येक रेखिक बहुपद से एक समीकरण बना, रेखिक समीकरण जिससे हमने x के दो मान निकाल लिए, दोनों कैसे आए बच्चों, समान आए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या दो का भाग संख्या 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। ये तो हमें बहुत ही आसान प्रश्न दे दिया गया है बच्चों। देखिए a, b और c, 1, 8 और 7, ठीक है, 1, 8 और 7 आपको दिख रहा है। हल करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, जैसा प्रश्न है वैसा ही का वैसा लिखा। अब आपको a गुणा c करना है, 1 गुणा 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 7, 7 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आए, 8 आए, तो देखो 1 गुणा 7 हो गया, 1 गुणा 7 को जोड़, जब आप 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, तो 8 की जगह आप क्या लिख देंगे, 8 की जगह आप लिख देंगे 1 प्लस 7 ब्रैकेट के बाहर x और 7 प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0 मिल जाएगा। प्रथम दो में से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो x उभयनिष्ठ आ गया, x प्लस 1 बच गया, अंतिम दो में से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से आप x प्लस 1 को उभयनिष्ठ ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा x प्लस 7 बराबर में 0। तो जब यदि आप क्या करते हैं बच्चों, यदि आप करते हैं x प्लस 1 को 0 के बराबर, तो x का मान कितना आएगा, माइनस 1, तथा यदि आप क्या करते हैं x प्लस 7 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान कितना आएगा बच्चों, माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण आपको किस में दे रखा है, भिन्नात्मक रूप में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में नहीं दे रखा है, इसलिए पहले हम इसको इस रूप में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में बदलेंगे, उसके बाद में गुणनखंड विधि से इसको हम हल कर लेंगे बच्चों। तो देखो क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस 3 बटे एक्स प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटे 2x माइनस 3। तो जब दोनों तरफ आपको भिन्नात्मक दे रखा होता है तब आप क्या करते हैं बच्चों, तब आप दोनों तरफ क्या करते हैं, आप करेंगे वज्र गुणा। क्या करते हैं बच्चों, हम वज्र गुणा करने पर, तो जब आप वज्र गुणा करेंगे तो देखो बच्चों, ये x प्लस 2 तो किससे गुणा हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 7 से, सॉरी बच्चों 3x माइनस 7 से गुणा होगा, ये 3x माइनस 7, और ये x प्लस 3 किससे गुणा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 से गुणा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखो पहले x किससे, अगले वाले द्विपद से गुणा करेंगे, 3x माइनस 7, इस x को पहले पूरे से गुणा करो, फिर प्लस 2 को पूरे से गुणा करेंगे x माइनस 7 से, इधर x पहले किससे गुणा होगा, 2x माइनस 3 से, और फिर प्लस 3 किससे गुणा हो जाएगा, 2x माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपके पास इसको x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14 बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9। इस तरीके से गुणा आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास आ गया 3x स्क्वायर, उधर से 2x स्क्वायर आके इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x और प्लस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का x इधर बच जाएगा, माइनस का x और माइनस 14 बराबर, इधर देखिए बच्चों 2x तो उधर चला ही गया है, माइनस 3x और प्लस का 6x कितना हो गया, प्लस का 6 3x, और यहाँ पर माइनस 9। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चौदह माइनस एक्स माइनस चौदह बराबर बराबर क्या है बच्चों, बराबर है तीन एक्स माइनस नौ, बराबर है तीन एक्स माइनस नौ, जिसको अब हम अगर उन सभी को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस नौ इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का कितना बचेगा, पाँच बचेगा बच्चों, क्योंकि माइनस चौदह और प्लस नौ कितना होता है माइनस पाँच, ठीक है। अब ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आ गया है। अब आप इसमें गुणनखंड विधि अप्लाई कर दें। गुणनखंड विधि क्या है बच्चों, ए गुणा सी करें, माइनस पाँच आएगा, माइनस पाँच आपको क्या बता रहा है कि पाँच के ऐसे दो गुणनखंड पता कीजिए जिनको घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात चार आए। तो पाँच के दो गुणनखंड एक और कितना हो गया, पाँच हो गया, पाँच में से एक घटाने पे चार आ जाएगा, तो इस चार की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह चार की जगह हम लिखेंगे पाँच माइनस एक, एक्स माइनस पाँच बराबर कितना बच्चों, जीरो। एक्स को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो। प्रथम दो में से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, एक्स माइनस पाँच बचेगा, अंतिम दो में से एक उभयनिष्ठ आ रहा है तो एक्स माइनस पाँच यहाँ पर भी बच जाएगा। x माइनस पाँच को आप उभयनिष्ठ लीजिए, अंदर बच जाएगा x प्लस वन बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से x माइनस पाँच बराबर जब आप ज़ीरो करते हैं तो x का मान कितना आएगा बच्चों, पाँच आएगा, तथा x प्लस वन को जब आप ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो x का मान कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या दो का भाग संख्या 10। अब देखिए बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। देखिए सबसे पहले आपके पास है चार एक्स स्क्वायर माइनस चार ए स्क्वायर एक्स, ए और एक्स साथ साथ हैं, जबकि इसने आगे आपको ए और बी साथ साथ दे दिए हैं ब्रैकेट में बंद करके। तो घबराइए नहीं बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर बराबर ज़ीरो दे रखा है आपको, तो मध्य पद से आपको पता पड़ रहा है ए और एक्स वाले पद को आपको साथ में लेके फिर देखना है। तो जब आप साथ में लेके देखेंगे तो आपको दिखेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर फोर, और लास्ट में आपको दिखेगा बी की पावर फोर बराबर ज़ीरो बच्चों, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये दिख रहा है, दो एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, माइनस दो गुणा दो एक्स गुणा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आपको ये दिखा। इसी को मैंने इस रूप में लिखा है, देखो चार ए स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ दो गुणा दो एक्स गुणा ए स्क्वायर, और ए की पावर फोर को मैंने ऐसे लिखा है। आगे देखिए बच्चों, बी की पावर फोर को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम बराबर ज़ीरो। अब आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर चल रहा है बच्चों बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या, ज़ीरो। अब देखिए, हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है बच्चों। अब यहाँ आपको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए की जगह क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ए की जगह आपको दिख रहा है दो एक्स माइनस ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या दिखेगा, स्मॉल बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी का मतलब बी स्क्वायर, और a मतलब दो एक्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी मतलब बी स्क्वायर, और बराबर क्या चल रहा है बच्चों, ज़ीरो। यदि आप क्या करते हैं,
यदि आप करते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ज़ीरो, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू। और जब आप तथा यदि आप क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल करने से ये वैल्यू आई और इसको ज़ीरो के इक्वल आप करते हैं तो x का मान कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे दो बच्चों। ठीक है, तो वापस से समझ लीजिए ट्रिक क्या है। इसने ए स्क्वायर ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर को आपको ब्रैकेट में बंद करके दे दिया है ताकि आप उसको एक जगह देखें, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। आपको यहाँ ध्यान देना है ए स्क्वायर एक्स का मतलब है ए वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को साथ देखना है। जब आप ए वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को साथ देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा ये तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है, जिसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। और वहाँ से आपको मिलेगा क्या बच्चों, वहाँ से मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्रत्येक ब्रेकेट को आप जीरो के इक्वल कर लेंगे और आपके पास एक्स के मान आ जाएंगे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या दो का लास्ट भाग नंबर 11, यहाँ पर आपको मध्य पद ऑलरेडी टुकड़ों में दे रखा है, तब आप क्या करेंगे सिर्फ x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, आपको कॉमन लेना है और आपके पास हल आ जाएगा बच्चों। देखिए हल सबसे पहले ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर में ज़ीरो है बच्चों, बराबर ज़ीरो। मध्य पद पहले से ही क्या है स्प्लिट किया हुआ है, तो आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर ज़ीरो। प्रथम दो में से आपको क्या बी एक्स कॉमन देखने को मिल रहा है, तो अंदर बच जाएगा ए एक्स प्लस कितना बच्चों बी। आगे वालों में से आपको क्या c कॉमन देखने को मिल रहा है, तो अंदर बच जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर ज़ीरो। और अब आप ए एक्स प्लस बी को जब उभयनिष्ठ ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी को उभयनिष्ठ लेने पर आपको मिल जाएगा बी एक्स माइनस सी बराबर ज़ीरो। यदि आप क्या करते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर ज़ीरो लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस बी बटे ए। तथा यदि बी एक्स माइनस सी को ज़ीरो लेते हैं तो x का मान कितना जाएगा, c बटे बी। तो ये आपके क्या हैं अभीष्ट हल है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट की है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, फिर से एक बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की, उसी विधि के साथ हम बात कर लेंगे श्रीधर आचार्य विधि की, और फिर हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 की तरफ बच्चों। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, मैंने जो आपको सिखाया है उसको दोहराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू बच्चों। आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव से द फन दे हैड पार्ट 5। कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद प्रश्नावली 3.3 भाग 7। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ भाग 7 व सामाजिक विज्ञान विषय में बुक लोकतांत्रिक राजनीतिक 1 से लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में बुक रेजोल्यूशन से द थीफ स्टोरी। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.शिक्षादर्शन2021@gmail.com
और डाका एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31301।